हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपको बहुत सादा सी चटनी जो कि घर में रोज में यूज़ करने के लिए बनाते हैं उसकी रेसिपी बता रही हूँ ये मैं बहुत हल्के तरीके से बहुत आसान तरीके से हरी चटनी तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है खासतौर पर आलू के पराठे या भरमा किसी भी चीज़ के पराठे हों ये देखिए इसके लिए मैंने थोड़ा ये हरा धनिया लिया है ये देखिए सामने और मोटा मोटा काट लिया है और धो धो लिया है अच्छे से खूब पानी में अच्छे से धो लिया है और आठ से नौ कलियाँ ली हैं मैंने लहसुन की और छः से सात हरी मिर्चें ली हैं और वो सब मैंने काट के मिक्सर जार में डाल ली हैं और एक अदरक का टुकड़ा और डाला था मैंने मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ और इसमें एक चम्मच कटाई आधी चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है आधी चम्मच नमक ये डाल लिया है नमक अपने टेस्ट अनुसार आप डाल सकते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इन सबको पीस लेंगे अच्छे से और बस अपनी हरी धनिया की चटनी टेस्टी तैयार है आप ये देखिए आप ये किसी भी चीज़ के साथ खाइए किसी पराठे के साथ खाइए दाल के साथ खाइए रोटी के साथ खाइए आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी और जबकि बहुत ही सादा तरीके से चटनी तैयार हो जाती है ये थैंक यू मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा उसके लिए सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर करिएगा धन्यवाद